आप देख रहे हैं एसपीएल लाइव न्यूज़। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत एक बहुत बड़ी खबर से कर रहा हूं। जी हां, मेरे पास एक बहुत बड़ी खबर है और ये खबर बताती है कि अब भाजपा के वोटर्स कांग्रेस की तरफ भाग रहे हैं। अगर भाजपा के वोटर्स कांग्रेस की तरफ भागेंगे, ये स्थिति में मध्य प्रदेश की बता रहा हूं, भाजपा के वोटर्स कांग्रेस की तरफ भाग रहे हैं और मध्य प्रदेश में आने वाले कुछ समय में उपचुनाव भी होने वाले हैं और उपचुनाव से पहले भाजपा के ये वोटर्स अगर कांग्रेस के साथ चले गए तो स्थितियां बहुत ज्यादा विपरीत हो जाएंगी, स्थितियां बहुत ज्यादा बदल जाएंगी और मध्य प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी की स्थिति कमजोर हो जाएगी। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जिस तरह से अगर मैं बात करूं तो होली के त्योहार पर कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता हैं, आपको बता दूं कि उन्होंने बकायदा वहां के जो मध्य प्रदेश के लोग हैं उनसे अपील की है, मध्य प्रदेश के लोगों से, जनता से, वोटर्स जो है उनसे अपील की कि भाजपा सरकार को हराना है और भाजपा जिस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर स्थितियों को संभाल नहीं पा रही है उसको जो है कहीं ना कहीं अलग स्थिति में देखा जा रहा है। और देखिए, आपको मैं बता दूं मेरे पास जो और खबरें हैं कि किस तरह से कांग्रेस के ये बड़े नेता हैं इन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर ये बात कही है कि जो वहां पे वोटर्स हैं मध्य प्रदेश के वो बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस की तरफ चले आए। देखिए मेरे पास, आपको बता दूं कि कांग्रेस के ये जो बड़े नेता हैं, जी हाँ, कांग्रेस के ये बड़े नेता मनु मिश्रा हैं। मनु मिश्रा ने बीते दिनों अपनी बात रखी लोगों के सामने और उपचुनाव को लेकर बात की। देखिए, मनु मिश्रा का कहना है कि जिस तरह से भाजपा शासित राज्यों में जो हाल जनता का हो रहा है, जिस तरह से देश में जनता का हाल बेहाल है और भाजपा जिस तरह से देश की जनता को परेशान कर रही है नए नए तरीकों से, अब ऐसे में वक्त आ गया है कि भाजपा सरकार को हराना है, हर राज्यों से हराना है, हर राज्य से बेदखल करना है। और उन्होंने कहा कि मैं भाजपा के वोटर्स से ये अपील करूंगा कि वो लोग मेरे साथ आए, वो लोग मेरे साथ जुड़े और जो मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं इस उपचुनाव में कांग्रेस का साथ दें और भाजपा की जो क्रूर शासक की स्थिति है उसको दूर किया जाए। यानी कि बहुत तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर इस वक्त सियासी हलचल मची हुई है। मनु मिश्रा का यह बयान और बीजेपी वोटर्स को अपनी तरफ करने की कोशिश बकायदा की गई है उनकी तरफ से। लेकिन आपको बता दूं, दिग्विजय और कमलनाथ ये भी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी के जो नेता हैं खास तौर पर सिंधिया समर्थक उन्हें तोड़ने की कोशिश की जा रही है, बीजेपी के बहुत सारे विधायकों को अपनी तरफ करने की कोशिश की जा रही है। यानी कि मध्य प्रदेश के अंदर जो अगर बात करी जाए तो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने मोर्चा संभाला है और दोनों बड़ी ही चालाकी से इस वक्त काम करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दूं कि स्थितियां बहुत ज्यादा अलग नजर आ रही हैं और इतना ही नहीं, मनु मिश्रा का ये बयान तो ये बताता है कि वाकई में बहुत बड़ी सियासत होने वाली है मध्य प्रदेश के अंदर और कहीं ऐसा ना हो दोबारा से उलटफेर हो जाए और दोबारा से स्थितियां कांग्रेस की तरफ चली जाए। अब मैं आपको यहां पर समझाऊंगा धीरे धीरे करके कि आखिरकार मध्य प्रदेश में स्थितियां क्यों खराब हो रही हैं और आखिरकार वजह क्या है कि कमलनाथ और दिग्विजय की ये जोड़ी जो है अब बीजेपी के विधायकों को, सिंधिया के समर्थकों को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि क्यों आखिरकार कांग्रेस जो है वो पूरी कोशिश कर रही है मध्य प्रदेश में स्थिति को बदलने की। देखिए, इस वक्त कांग्रेस के पास बहुत बड़ा मुद्दा एक किसान आंदोलन का मुद्दा है। इसके अलावा देश में जिस तरह से बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जैसे महंगाई है, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम हो गए, उसके अलावा निजीकरण का, ये ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो कांग्रेस के पास तो इस वक्त हैं ही, लेकिन मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन का मुद्दा कांग्रेस ने उठाया है। और इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश में जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि कांग्रेसी जो नेता है उनको ऐसा लग रहा है कि सिंधिया और उनके समर्थक बीजेपी में खुद को एडजस्ट नहीं कर पा रहे, बीजेपी में खुद को वो पूरी तरह से शामिल नहीं कर पा रहे। तो ऐसे में इस बात का बहुत बड़ा फायदा कमलनाथ और दिग्विजय सिंह उठाते हुए नजर आ रहे। आपको बता दूं कि जिस तरह की स्थिति मध्य प्रदेश में बनी हुई है और वहां भी
लगातार खींचतान की खबरें सामने आती रहती हैं और इसी खींचतान का फायदा अब दिग्विजय और कमलनाथ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। मनु मिश्रा का बयान तो ये बताता है कि किस तरह से अलग अलग मोर्चे पर मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस के इन बड़े नेताओं ने मोर्चा संभाल लिया है, यानी कि दिग्विजय और कमलनाथ की जोड़ी तो अलग काम कर ही रही है, लेकिन मनु मिश्रा और ऐसे कांग्रेस के बहुत विधायक हैं, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो ये कोशिश कर रहे हैं कि भाजपा के वोटर्स को मध्य प्रदेश में जो है उनको अपनी तरफ किया जाए। जो मध्य प्रदेश के अंदर उपचुनाव होने वाले हैं, इन उपचुनाव की जीत अपनी झोली में डाली जाए और कांग्रेस में अगर दोबारा से स्थितियां खराब होती हैं और अगर कांग्रेस की मैं बात करूं तो कांग्रेस दोबारा से अगर पलटने की कोशिश करती है स्थिति को, राजनीति स्थिति को पलटने की कोशिश करती है और अगर सिंधिया समर्थक एक बार फिर से कांग्रेस में कमबैक करते हैं तो यानी कि आप ये समझिए कि बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी, बीजेपी के लिए परेशानियां खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि सिंधिया और उनके समर्थकों की स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत है। तो ऐसे में शिवराज सिंह चौहान को इस बात का ध्यान रखना होगा कि सिंधिया और उनके समर्थकों को नाराज ना किया जाए, क्योंकि सिंधिया और उनके समर्थकों की स्थिति क्या है यह उसी वक्त पता चल गई थी जब उन्होंने अपने कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी में गए थे। सिंधिया के समर्थक जिस वक्त कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी में गए उस वक्त ही कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में गिर गई। तो आपको ये अंदाजा लगा लेना चाहिए कि सिंधिया और उनके समर्थकों की स्थिति कितनी मजबूत है और सिंधिया अपने समर्थकों के साथ जब पाला बदलते हैं तो क्या स्थिति रहती है और किस पार्टी को नुकसान होता है। कांग्रेस को किस तरह का नुकसान हुआ, कमलनाथ को इस्तीफा तक देना पड़ गया और मुख्यमंत्री पद उन्हें छोड़ना पड़ गया क्योंकि सिंधिया अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में चले गए। तो ऐसे में सिंधिया और उनके समर्थकों को कम आंकना शिवराज सिंह चौहान के लिए जो है वो सही नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से अगर शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में अपने मुख्यमंत्री रहते हुए अपने और अपने समर्थकों की स्थिति को वहां पर मजबूत करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो दोबारा से सिंधिया और उनके समर्थक कांग्रेस में कमबैक कर जाएं। हालांकि सिंधिया समर्थक को कांग्रेस में लाने के लिए कमलनाथ के अलावा बहुत सारे ऐसे कांग्रेस के दिग्गज नेता, छोटे मोटे नेता नहीं, दिग्गज नेता लगे हुए हैं जो सिंधिया और उनके समर्थक को दोबारा से कांग्रेस में लाने की कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की दोबारा सरकार बनाने की कोशिश की जा रही है। मनु मिश्रा के बयान से साफ हो गया कि वाकई में किस तरह की स्थितियां वहां पर बन रही हैं, किस तरह से माहौल जो है मध्य प्रदेश के अंदर एक बार फिर से उठता हुआ नजर आ रहा है। सियासी भूचाल शुरू हो गया है, लेकिन सिंधिया और उनके समर्थकों को बहुत सही ढंग से बीजेपी के अंदर रखा जाना चाहिए और उनका पूरा पूरा सम्मान भी किया जाना चाहिए। तो ये कुल मिलाकर अगर स्थितियों की मैं बात करता हूँ तो फिलहाल मध्य प्रदेश के अंदर जो सियासी भूचाल मचा हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि ये सियासी भूचाल शिवराज सिंह चौहान के लिए मुश्किलें खड़ी कर दे, क्योंकि सिंधिया उनके समर्थक बहुत स्थिति इस वक्त पूरी मजबूत है और यही वजह रही। देखिए आपको याद भी होगा कि बीजेपी आलाकमान ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को बकायदा बड़ी जिम्मेदारी सौंपी, बकायदा उनके हाथ में उनको राज्यसभा का पद दिया गया और वहां पर स्थितियां बनाई गई और उनके समर्थकों को भी एक अच्छी जगह दी गई, यानी कि बकायदा शिवराज सरकार में उन्हें महत्वपूर्ण पद दिए गए। यानी पार्टी आलाकमान ये जानती है कि शिवराज और सिंधिया की स्थिति क्या है और सिंधिया और उनके समर्थक अगर बीजेपी का साथ छोड़ते हैं तो कितनी मुश्किलें शिवराज सिंह चौहान को भी होंगी। तो ये तमाम तरह की स्थितियां मध्य प्रदेश में बन रही है और उपचुनाव से पहले कहीं जो है बहुत बड़ा सियासी संकट शिवराज सिंह चौहान पर खड़ा ना हो जाए। हालांकि कांग्रेस के जो रणनीतिकार हैं, कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, वो ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर एक बार फिर से खेला किया जाए। जी हां, आपको बता दूं कि जिस तरह से बात की जाए स्थितियों की, तो राजनीतिक स्थितियां जब बनती हैं और राजनीतिक स्थितियां जब बनती और बिगड़ती हैं तो इसका एक नुकसान किसी एक पार्टी को होता है तो दूसरी पार्टी को फायदा होता है। तो कुल मिलाकर आप ये समझिए कि कांग्रेस अब दोबारा से इस कोशिश में जुट चुकी है कि किसी भी तरह से मध्य प्रदेश के अंदर दोबारा सरकार बनाई जाए और सरकार बनाने की कोशिश में दिग्विजय और कमलनाथ बकायदा लगे हुए। दिग्विजय और कमलनाथ बहुत अच्छी राजनीति की समझ रखते हैं, राजनीति के बहुत
धुरंधर भी ये कहे जाते हैं, तो इनकी रणनीतियां जो काम करती हुई नजर आ रही हैं, इससे बहुत बड़ा जो है नुकसान वो शिवराज सरकार को हो सकता है। लेकिन अगर शिवराज सिंह चौहान ने सिंधिया और उनके समर्थकों को अपनी तरफ रखने की कोशिश की तो इससे कोई फायदा कांग्रेस को नहीं होगा। यानी कि पूरी इस वक्त निगाहें टिकी हैं शिवराज सिंह चौहान पर कि वो सिंधिया और उनके समर्थकों को क्या और ज़्यादा नाराज़ करेंगे या फिर उनको मनाएंगे। तो फिलहाल के लिए आज मुझे इजाज़त दीजिए।